चलिए फ्रेंड्स, आज आलू और मटर से तहरी बनाते हैं। रोज़ रोज़ वही दाल चावल खाकर बोर हो गए हैं। कभी कभी मन होता है कि कुछ जल्दी और चटपटा अच्छा टेस्टी मिल जाए, तो चलिए चावल की तहरी बनाते हैं। इसको पुलाव भी कह सकते हैं आप, तहरी भी कह सकते हैं। तो आलू मटर का सीज़न है, अच्छी अच्छी मटर आ रही है ताज़ी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले गैस पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या घी ले सकते हैं। घी में भी आप पसंद करते हैं तो घी में ही बना सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा लिया है, दालचीनी, तेज़पत्ता, कुछ लौंग, और यहाँ पे सिर्फ मैंने आलू, मटर, प्याज, हरी मिर्च ली है। सब्जी आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो, गोभी, गाजर, बीन्स। उसके बाद मैंने इसमें मसालों को फ्राई होने के बाद मिर्च डाल दी, थोड़ी सी प्याज डाल दी है। थोड़ी देर उनको अच्छे से धीमी आँच पर फ्राई करते जाएंगे। प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट जैसे होगी तो उसमें आलूओं को डाल देंगे। आलूओं को मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। इस तरह से आलूओं को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक आलू फ्राई करने के बाद उसमें हम ताजी फ्रेश हरी मटर डाल देंगे। मटर आप जितनी ज़्यादा डालेंगे टेस्टी लगेगी पुलाव, और इस समय मटर बहुत टेस्टी आ रही है, मीठी मीठी, तो इस बार ज़रूर इसको आप बनाइए। बस जैसे थोड़ी देर आलू और मटर फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, बेसिक मसाले, सिंपल, बिल्कुल कम मसालों में मैंने बनाया है इसको। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और थोड़ी देर मसालों के साथ आलू और प्याज को फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। बस इसमें हम ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे, उनको पहले से धोकर भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने सिंपल चावल लिए हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, बासमती चावल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डेली आपके यहाँ बनता है उस चावल से भी आप बना सकते हैं। चावल बहुत मायने नहीं रखता, बस ये तहरी इतनी अच्छी बनती है कि आप इसको किसी भी चावल से बना सकते हैं। और बस जैसे रेगुलर आप डेली चावल बनाते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए, और इसको कवर कर कर 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे। और जैसे प्रेशर ठंडा होगा तो उसके बाद ही खोलिएगा। अब बस इसको गर्मा गर्म दही के साथ, अचार के साथ, जिसके साथ आप पसंद करें, इन्जॉय करिए, बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी लंच में, डिनर में मैं अक्सर बना लिया करती हूँ, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। बस इसमें मैंने शुद्ध देसी घी डाला है, उसके साथ आप इसको गर्मा गर्म इन्जॉय करिए, और मटर के सीज़न में इसको एक बार ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये सिंपल सा पुलाव है आलू और मटर का, बहुत टेस्टी लगता है। बस बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। थैंक यू।